baby, try the cup. Hello. Good morning, guys. Hello. Good afternoon, guys. Today our video is about a black hole. What is a black hole? Black hole. What is a black hole? Black hole. ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है कि एक रीज़न है, एक जगह है कहाँ पर, जो स्पेस में या आउटर स्पेस में ब्लैक होल जो क्या है, एक जगह है, एक रीज़न है कहाँ पर आउटर स्पेस में, ये हमें मिलता है। इसकी जो एक जो इसकी जो है प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसमें जो ग्रेविटेशनल जो पुल है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अर्थ के पास आए तो कोई भी प्लैनेट या कोई भी मून है, मून क्यों अर्थ को रोटेट कर रहा है, क्योंकि मून क्यों रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, क्योंकि जो क्या है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्योंकि जो है वो क्या है, जो मून है, मून जो क्या है स्पिन कर रहा है अपने ऑर्बिट के अराउंड स्पिन कर रहा है। तो जो क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स जो उसे करता है पुल करके रखता है। जैसे कि ये अर्थ है और ये मून है, ये इधर को तरफ स्पिन करता है, इसकी यहाँ पर इधर को क्या कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है। तो इस तरफ इसकी क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और यहाँ पर जो इसको फोर्स लग रही है कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी, अर्थ की। और ये क्या करने लगता है, उसे सिंपली क्या करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है। अगर हम मान के चले ऐसे, अगर हम मान के चले कि अगर मान लें कि एक जो न्यूटन है वो फोर्स है किसकी, ऑफ ग्रेविटी किसकी, अर्थ की। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ब्लैक होल के साथ, अगर जो एक है तो जो ब्लैक होल की जो है वो कितनी है, 1 ऑक्ट्रिलियन, बहुत ही ज़्यादा, 10^39, बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। हम इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो जो है ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं ब्लैक होल होता क्या है और ये बनता क्या है। सबसे पहले हम इससे पहले पढ़ना चाहेंगे कि स्टार कैसे बनते हैं। स्टार क्या होते हैं, स्टार जो बनते हैं सबसे पहले नेबुला से। नेबुला एक जो है क्लाउड है, किसका, गैसेस का, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है और डिफरेंट तरह की गैस, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो हमें कहाँ पर मिलती है, स्पेस में मिलती है। और नेबुला जो है बहुत तरह के, बहुत टाइप के होते हैं नेबुला। ये कलरफुल रीजन होता है कहाँ पर स्पेस में, ये क्लाउड की तरह होते हैं। और ये किसका क्लाउड होता है, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, जो कि स्कैटर करने के, जो जबकि लाइट में जाती है और लाइट स्कैटर होती है तो ये पूरी तरह क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, कलर छोड़ने लगते हैं, इसलिए ये चमकते रहते हैं हमेशा स्पेस में। नेबुला क्या है, कलरफुल रीजन है कौन सा जहाँ पर हमें गैसेस मिलती है, हाइड्रोजन गैसेस का ये है, क्लाउड है, मीथेन गैस जहाँ पर हमें मिलती है और ये पूरी तरह चमकते रहते हैं हर वक्त, जो क्या है चमकते रहते हैं। अब नेबुला में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमें पता है सरफेस टेंशन के कारण सभी जो पार्टिकल मिलके हैं वो क्या कर लेते हैं, गोल रीजन बना लेते हैं। फिर और पार्टिकल, इतने ज़्यादा पार्टिकल, ये क्लाउड इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इतना ज़्यादा बड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम इस क्लाउड में अर्थ को लेकर चले तो इस क्लाउड में लगभग 1 करोड़ अर्थ इस क्लाउड में फिट आ सकती हैं पूरी तरह, लाइक अ स्टार। जैसे आसमान में स्टार है ना, तो वैसे ही अगर हम इस नेबुला को आसमान लेकर चले तो अर्थ जो स्टार की तरह अर्थ एग्जिस्ट, अगर हम अर्थ को एक स्टार की तरह लेकर चले कहाँ पर, भरे आसमान में, तो और वो आसमान कौन सा है, नेबुला है। तो अर्थ की जो गिनती है वो कितनी होगी, 1 करोड़, इतना बड़े होते हैं ये नेबुला। हमेशा चमकते रखते हैं, हमेशा ग्लो करते हैं। ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी लाइट इसमें जाती है वो क्या हो जाती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस और बहुत सारे पार्टिकल, एंटी मैटर पार्टिकल इसमें होते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, उनके कारण जब जो बस इसको स्कैटर कर देती है और क्या हो जाते हैं, पूरी तरह चमकने लगते हैं नेबुला। तो हमने देखा कि जो अपने ही ग्रेविटेशन पुल में ये क्या हो गए, गिर गए। और इन्होंने क्या कर दिया, एक स्फेरिकल, ड्यू टू सरफेस टेंशन एक स्फेयर का जो क्या हुआ, शेप ले ली स्फेयर की। ये इतने बड़े स्फेयर बन जाता है और ऐसे निर्माण होता है किसका, स्टार का। अब क्या हो गया, स्टार बन गया, नेबुला से बन गया, नेबुला से बन गया स्टार। अब इसमें जो पार्टिकल है,
इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ड्यू टू हमारा सन भी ये क्या है, हमारा सन भी ये क्या है, स्टार है। तो इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो मिलके क्या बना लेती है, हीलियम। हाइड्रोजन मिलके बना लेते हैं हीलियम, क्योंकि दो जो हाइड्रोजन पार्टिकल है उनका जो वेट है वो किसके बराबर होता है, हीलियम पार्टिकल का। और जब ये कंबाइन होते हैं तो एक हाइड्रोजन की न्यूक्लियस जब हाइड्रोजन दूसरे न्यूक्लियस से कंबाइन होते हैं तो इतनी एनर्जी जो क्या है इवेपोरेट होती है, इतनी एनर्जी एग्जिट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, इतनी एनर्जी एग्जिट होती है जिसका आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। इसी कारण तो सन क्या रहा है, चमक रहा है, इसी रिएक्शन के कारण, इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है सन चमक रहा है। ये रिएक्शन होती है, इसमें से जो हीट निकलती है वही हीट हमें क्या आती है, मिलती है, चाहे वो वेव्स के रूप में, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, गामा रेज में, विजिबल लाइट में, गामा रे रेडियो वेव्स में, सभी जो है वो इसी प्रकार से हमें जो क्या है रेज मिलती है। जब हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, और उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कोई साथ में। ऐसे जब जो एनर्जी निकलती जाती है, जब एकदम इसमें से एनर्जी निकल जाती है तो क्या हो जाता है, जब एनर्जी नहीं है तो ये क्या हो जाता है, अपने ही ग्रेविटेशन पुल के, अब हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। तो जब सभी फोर्स जो क्या होती है इसके सेंटर में लगती है तो ये क्या हो जाता है, अपने ही ग्रेविटेशन फोर्स के इसके इनवर्ट फोर्स लगने लगती है। तो अपने ही ग्रेविटेशन पुल के कारण ये जो स्टार है ये क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि हर तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स इसे लगती है कि ये ब्लास्ट हो जाता है। और जब ये ब्लास्ट होता है, तो ये जो स्टार है ये निर्माण ले लेते हैं किसका, न्यूट्रॉन स्टार का। क्योंकि इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल है आपस में कंबाइन होके क्या करते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल का निर्माण करते हैं। अब जब न्यूट्रॉन स्टार, इस स्टार से न्यूट्रॉन स्टार बन गया, एकदम ब्लास्ट हुआ, फिर जो है इसमें फिर एक ब्लास्ट होता है और फिर ये निर्माण करता है क्वार्क स्टार का। क्वार्क स्टार कुछ भी नहीं है, हमें पता है जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सभी क्या किससे बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। और हमने देखा सबसे पहले जब स्टार से ये क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्टार बना, तो इसमें जो भी चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर उन्होंने न्यूट्रॉन बनाए, और जो इन न्यूट्रॉन पार्टिकल का ये जो पूरी एक मैसिव ऑब्जेक्ट बना, पूरी एक मैसिव बॉडी बनी, इसे हमने कहा न्यूट्रॉन स्टार। अब जब इसमें फिर से ग्रेविटेशन पुल्स के कारण जो क्या होता है, ब्लास्ट होता है, तो ये निर्माण करता है किसका, क्वार्क्स का। जब क्वार्क्स आपस में सभी मिल जाते हैं तो ये एक जब फिर एक मैसिव ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कौन होता है, क्वार्क स्टार का। इस स्टार में नॉर्मली क्या होते हैं, क्वार्क स्टार होते हैं। अब फिर से जब क्वार्क जो है एकदम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, आप सोच भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है और क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है, तो आप सोच ही सकते हैं क्वार्क इतना छोटा पार्टिकल है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्वार्क्स फिर ब्लास्ट होता है और ये जो है रेडिएशन के रूप में, गामा रेज अल्फा रेज के रूप में क्वार्क्स को भी क्या हो जाता है, बाहर भेज देता है। क्वार्क्स भी इसमें से क्या होते हैं, निकलने लगते हैं किसके रूप में, गामा रेज के, पॉजिटिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते स्टार में इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव डिके होते हैं कि कोई हिसाब नहीं है। तो सभी क्वार्क्स वेव के रूप में इसमें से बाहर चलने लगते हैं, जब गामा रेज के रूप में, अल्ट्रा, हम कॉस्मिक रे पढ़ते हैं, जो कॉस्मिक रे बनती है वो भी तभी बनती है जब स्टार क्या होता है, ब्लास्ट होता है और न्यूट्रॉन स्टार और क्वार्क स्टार का निर्माण होता है। और जब कॉस्मिक रे निकलती है तब जो है क्वार्क स्टार का ब्लास्ट होता है, तो और वो कॉस्मिक रे के रूप में से निकल जाता है। अब जहाँ पर स्टार फटा, स्टार एक इतना ऑब्जेक्ट है, अगर ये सन है तो जो स्टार है वो इतने होते हैं। जब ये पूरी चीज खत्म हो गई, ये जो पूरी चीज है खत्म हो गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ लेफ्ट क्या रह जाता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर स्टार तो खत्म हो गया लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो निर्माण हुआ है क्वार्क स्टार से, नेबुला से बना स्टार, स्टार से बना न्यूट्रल स्टार, न्यूट्रल स्टार से बना क्वार्क स्टार, अब देन क्वार्क स्टार में जब कॉस्मिक रे निकल गई क्वार्क्स के रूप में, क्वार्क्स जो है कॉस्मिक रूप रे के रूप में निकल गए, तो उसमें उस उतने उतने रीजन में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बची। अब क्या होगा कि अगर हम अर्थ को कंपेयर करें, इतनी अर्थ है और इतना बड़ा स्टार है, इतनी अर्थ की कितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इस जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ी कोई चीज़ होगी
उतने ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हम जानते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटॉन पार्टिकल होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसमें उतने ही ज़्यादा ग्रेविटॉन पार्टिकल्स होंगे। तो स्टार तो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा होता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब होता क्या है, हमें पता है कि स्पेस में कोई मीडियम तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मौजूद होती है, लाइट। जब लाइट लाइट जब जो लाइट है जो सन से आ रही है, क्योंकि लाइट को तो कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी जो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ होती है कि उसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब ये आ गया ब्लैक होल, ये आ गया ब्लैक होल जो किससे बना था, क्वार्क स्टार से बना था। अब जब लाइट इसके पास से निकलती है, अब लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 300,000 की स्पीड, बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है, जब लाइट इसके पास से निकलती है तो ये क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से लाइट को भी क्या करने लगता है, अपने सेंटर में ले जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, कोई भी चीज़ जो कहाँ पर आकर रुकती है, सेंटर में आकर रुकती है। तो जो लाइट है, इस तरह से लाइट ने फॉलो पाथ जो है फॉलो किया और वो किस में चल गई, ब्लैक होल में। अब सोचे इतनी स्पीड वाली चीज़ को भी ब्लैक होल ने नहीं छोड़ा, उसने स्पीड को, उसने लाइट को भी क्या कर लिया, अपने ग्रेविटेशन पुल में गिरा लिया। लाइट ने ट्रेजेक्ट्री मोशन करना स्टार्ट कर दिया। मोशन, ट्रेजेक्ट्री मोशन, कोई भी चीज़ जब किसी फोर्स के अंडर मोशन करती है हम उसे ट्रेजेक्ट्री मोशन कहते हैं। तो जाए लाइट ने भी क्या किया, ट्रेजेक्ट्री मोशन फॉलो किया, कौन सा, ग्रेविटेशनल ट्रेजेक्ट्री मोशन। लाइट इसमें चली गई। अब क्या हो गया, लाइट जो है, अब जो हम ब्लैक होल है वो हम देख नहीं सकते। ब्लैक होल का सिर्फ हम एक्चुअली ब्लैक होल जिसका नाम ही ब्लैक है, ब्लैक चीज़ हम देख ही नहीं सकते। ब्लैक चीज़ हम देख सिर्फ हम ऐसे देख सकते हैं जब लाइट उसमें जाली होती है ना, तो इतना इतना चीज़ पूरी ब्राइट हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम ब्लैक, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इसके इर्द गिर्द क्या होती है, लाइट होती है। इस तरह से हम गैस लगाते हैं कि वहाँ पर क्या है, ब्लैक होल है। अभी करीब एक साल पहले फ़ोटो आई थी उसकी, ब्लैक होल की निकाली थी। एनीवे जो लाइट जो है वो, अब लाइट में क्या होते हैं फोटोन्स होते हैं। अगर हम इस लाइट को ऐसे लेके चलें तो इसमें क्या है, ये पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल। अब जब हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो ये पूरी इस जो लाइट है इसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा। जब ये बेंड हो गया, फोटोन बेंड होने लगे, तो पूरी पूरी लाइट क्या होने लगी, बेंड होने लगी। इस तरह से जो क्या होगी, लाइट है वो ब्लैक होल के अराउंड जो है वो मोशन करने लगी। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक क्या बन जाता है, फोटोन स्फीयर। ब्लैक होल के अराउंड क्या बन जाता है, फोटोन स्फीयर कुछ भी नहीं है। जब लाइट इसके अराउंड मूव करने लगती है तो जो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है लाइट का, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन स्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोन स्फीयर। एक स्फीयर है किसका, जब लाइट जो है वो किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है, ब्लैक होल के। जब ये इस तरह लाइट जो क्या है, ब्लैक होल के अराउंड मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो लाइट में होते क्या है, फोटोन। तो सभी फोटोन इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन स्फीयर। अब जो इसका ये पार्ट आ जाता है, जैसे कि हम इसको कहें, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है, एक पार्ट है किसका, ब्लैक होल का। अब इवेंट होराइजन में क्या होता है कि हमने इवेंट होराइजन सिर्फ एक रीजन को, ब्लैक होल के एक रीजन को नाम दिया है, जहाँ पर क्या होता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लाइट को भी नहीं छोड़ता और लाइट को भी क्या कर देता है, बेंड कर देता है। लाइट को बेंड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट को भी बेंड कर देती है। और ये जो रीज़न है इवेंट होराइजन, इसमें सिर्फ यही है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ब्लैक होल की कि ये लाइट को भी क्या कर देता है, बेंड कर देता है। ये है इवेंट होराइजन। अब जब कोई पार्टिकल यहाँ पर आया, पार्टिकल्स आए
पार्टिकल इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करने लगे, मूव करने लगे। जब ऐसा हुआ तो पार्टिकल्स, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या किए, दूसरे ने मूव करते समय फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। जब आयोनाइज पार्टिकल इसे क्या करने लगते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि लाइट जो फोटॉन्स पेयर बताए, इतनी एनर्जी होती है इसमें कि कोई हिसाब नहीं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता है, कोई हिसाब ही नहीं। तो वो जो टेम्परेचर है उसमें एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइट होकर जहाँ तक उन्हें एनर्जी मिली एक्साइट हुए, फिर वो क्या हुए, वापिस आए। और जो उनकी जो एनर्जी लूज की है उन्होंने, वो जब क्या होती है, एक विजिबल रीजन में फॉल करती है, तो वो क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। वो उतना उतना रीजन क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। ऐसा ही होता है किसके, ब्लैक होल के अराउंड जब जो है जो मैटर पार्टिकल मूव करते हैं फ्रिक्शन के कारण, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने के बाद जब ये प्रोसेस होती है, तो जो क्या होता है, ये पूरी तरह इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, कलर रीजन बनने लगते हैं, ब्लैक, रेड कलर, ग्रीन कलर, सभी कलर जो है इसके इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं। क्योंकि जब लाइट ही बिखर जाती है, लाइट ही क्या होती है, डिस्पर्स जो लाइट मेनली बनी होती है 7 कलर की विवगे होगी, तो जब लाइट ही क्या होगी, डिस्पर्स होगी, तो उसमें से जो सारे कलर हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो ब्लैक होल है पूरी तरह क्या होता है, कलर होता है। सिर्फ जो इतना रीजन है वो ब्लैक होता है, बाकी इसके इर्द गिर्द जो है लाइट कुछ इस तरह आती हुई दिखती है, इस तरह कुछ लाइट जो है आती है, और इससे जो इसके अराउंड जो है एक कलर रीजन का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं एसोलेशन डिस्क। एसोलेशन डिस्क कुछ भी नहीं है, एसोलेशन डिस्क में ऐसी होती है, एसोलेशन डिस्क कुछ ये होती है, एसोलेशन डिस्क, एसोलेशन डिस्क कुछ भी नहीं होती। जो मैटर पार्टिकल जो ग्रेविटेशन पुल में जो इसमें मूव करते हैं, ट्रेजेक्ट्री मोशन करते हैं इसमें ब्लैक होल की ग्रेविटेशन पुल के कारण, वो क्या हो जाते हैं, एसोलेट हो जाते हैं। एसोलेट होने के कारण वो फ्रिक्शन में फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, चार्ज हो जाते हैं, और कलर रीजन एक बना देते हैं ब्लैक होल अराउंड, जिसे हम कहते हैं एसोलेशन डिस्क। अब जब पूरी तरह से अगर हम ऐसे देखें, अगर हम इस रीजन को यहाँ पर बनाएं, तो जो है जब जो कोई भी चीज़ है इसके जो जाती है ग्रेविटेशन पुल में गिरती है, तो वो क्या होती है, सभी चीज ऐसे अगर हम इसके अंदर का रीजन देखें ये वाला, तो जो कोई भी चीज आती है, जो लाइट है, वो कहाँ होती है, एक रीजन में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। सभी पार्टिकल जितने भी मैटर पार्टिकल है वो एक ही जगह आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है, कि जहाँ पर सभी चीजें मिल जाती हैं और एक सिंगल चीज का निर्माण कर देती हैं। और ये एकदम सेंटर में होता है, कहाँ पर, ब्लैक होल के। अगर हम ब्लैक होल को इधर देखें, तो ये ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है, ये ब्लैक, और इधर भी क्या होते हैं, हमें कलर रीजन मिलता है, और इधर भी कलर रीजन मिलता है। ये जो दोनों कलर, इसे हम कहते हैं रियलिस्टिक जेट। अब क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल इसकी ग्रेविटेशन पुल में गिरता है, तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लगता है। अब कोई भी जो पार्टिकल है, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग पड़े, वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। और जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, तो हमें इस तरह से कुछ एनर्जी निकलती दिखती है, जो कि बहुत ही स्पीड, जेट का नाम हमें इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, एकदम जेट की तरह नीचे गिरते हैं पार्टिकल। और जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लगते हैं, तो वो पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एनर्जी हमें किस तरह लगती है, एक जेट की तरह इसमें से निकलती हुई लगती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे रियलिस्टिक जेट कहते हैं। तो ये था ब्लैक होल। इसमें हमने मेनली कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे फोटोन स्पेयर क्या होता है, कि जब लाइट जो है क्या होती है, डिस्पर्स होती है, उसमें फोटोन निकल जाते हैं, फोटोन जो एक स्पेयर इसके ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो क्या होते हैं, एक स्पेयर बना लेते हैं। एक्चुअली में ये तो 2D है, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह होता है, और फोटोन स्पेयर जो कुछ इस तरह का होता है, एकदम अगर इधर है आगे भी है पीछे, पूरी तरह ऐसे जो कवर किया होता है इसने, इसको ब्लैक होल को, फोटोन स्पेयर ने, क्योंकि लाइट तो मेनली बनी होती है फोटोन्स की। फोटोन जो क्या है, इनका रेस्ट मास 0 है, लेकिन जब मूव करते हैं तो वो कोई ना कोई क्या कर लेते हैं, मास गेन कर लेते हैं। इसी कारण अगर उसका मास ही नहीं होता, तो फिर तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं लगती, और लाइट बेंट कैसे होती। लेकिन लाइट तो मूव कर रही है ना अपनी स्पीड के साथ, तो जो क्या होता है, फोटोन भी कुछ ना कुछ मास गेन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ग्रेविटेशन पुल के
पुल में क्या होता है, गिरने लगते हैं और फोटोन स्फीयर का निर्माण होता है। एक्सेलरेशन डिस्पड़ी कि जिसमें कोई भी जो मैटर का पार्टिकल है जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लगता है किसके कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। फ्रिक्शन कारण क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूसर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फिर जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं कलर, वो क्या होता है, अपनी एनर्जी लूज करते हैं, वो एनर्जी जो है किसी विजिबल रीजन में फॉल करती है और ये कलर रीजन बन जाता है किसके अराउंड, ब्लैक होल के। एक्सेलरेशन डिस्क आ गया, रियलिस्टिक जेट पड़ा कि जब कोई भी मैटर पार्टिकल इसके जो पास से निकलता है जो इसके ग्रेविटेशनल पुल में, वो क्या कर रहा था, इसको मूव करने लग पड़ता है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। और जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी जिसका मास है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग पड़े, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो है, जो पूरी तरह मास वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ऐसी एनर्जी हमें निकलती दिखती है ऐसी कुछ इस तरह की, जिसे हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक जेट कहते हैं। अब जो ब्लैक होल है, ये हो गया ब्लैक होल, अब पढ़ लेते हैं ये एग्जिस्ट कहाँ पर करता है। जितनी भी गैलेक्सी हैं हमारे जो स्पेस में, इतनी गैलेक्सी हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। हर एक गैलेक्सी में क्या होता है, एक ब्लैक होल होता है। अगर हम कहें कि ये जो है ये हमारी पूरी गैलेक्सी है, तो इसके एकदम सेंटर में, इसके एकदम सेंटर में क्या होता है, ब्लैक होल होता है। जैसे इसका सेंटर ये आ गया, यहाँ पर आ गया ब्लैक होल, ये पूरी गैलेक्सी आ गई, यहाँ पर आ गया ब्लैक होल, और यहाँ पर कहीं है हमारा सन और यहाँ पर है हमारे कहीं प्लैनेट्स। हमें पता है कि सन के इर्द गिर्द प्लैनेट क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा जो उससे कम मैसिव ऑब्जेक्ट है, अगर ये मैसिव ऑब्जेक्ट है तो दूसरा जो इससे छोटा पार्टिकल है वो इसे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। क्यों, जैसे कि अगर हम एक फाइबर लेके चले, एक ब्लैंकेट लेके चले, ब्लैंकेट जो बंधी हुई है, ब्लैंकेट के ऊपर एक मैसिव चीज रखें तो उसमें क्या पड़ जाता है, ऐसे गैप पड़ जाता है, और गैप में जब हम क्या रखें, वो रखें कोई भी दूसरा पार्टिकल जो उससे कम मैसिव है, तो वो क्या करने लगता है, उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। जैसे कि ये, अब ये, अब हम सोचें कि जब जैसे हमने ब्लैंकेट में ये रखा है, कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट रखा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे कि ये गैप पड़ गया, मान लो ये मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो ब्लैंकेट थी जो जो हमने फाइबर लिया था, अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने कहा था कि जो स्पेस क्या है, फाइबर की तरह है, जब उसमें मैसिव ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है फाइबर। अब इसलिए अगर ऐसा हो तो फिर तो ये इससे साथ टकरा जाए, लेकिन ये टकराता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक और मोशन कर रहा होता है, स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम ये क्या होता है, इधर की तरफ स्पिन कर रहा होता है, और एक फोर्स जब इसे इस तरफ लगती है तो एक इसको बाहर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है, जिसके कारण ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ कभी भी सन के साथ टकरा नहीं सकती, क्योंकि सन एक मैसिव ऑब्जेक्ट है और अर्थ उससे कम मैसिव है। तो ड्यू टू जो सन फाइबर में गैप, जो सन में, जो फाइबर में सन के कारण गैप पड़ता है, अर्थ क्या होती है, उससे साथ टकरानी चाहिए, लेकिन अर्थ इसलिए नहीं टकराती क्योंकि अर्थ है वो एक और मोशन करती है, स्पिन मोमेंटम, जिसके कारण वो क्या होती है, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स इधर की तरफ लगती है और इधर एक फोर्स लगती है उसके सन के अराउंड, जिसके कारण जब ये इसको इधर की तरफ जो है पुल करता है, जब ये यहाँ पर पहुँचता है इसके कारण, तो अगेन एक सेंट्रिपिटल फोर्स उसको बाहर की तरफ लगनी होती है, जो कि ऐसे ऐसे करके उसका क्या हो जाता है, एक एंगुलर मोमेंट, एक जो है रिवॉल्व पाथ बना लेता है, एक ऑर्बिट बना लेता है इसके अराउंड सन के। इसी कारण अर्थ कभी भी सन से टकरा नहीं सकती, क्योंकि अगर सन उसे अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अर्थ को, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही है और सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, सन के साथ टकरा नहीं सकती। अब हमने पढ़ रहे थे यहाँ पर कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में जो क्या होता है, ब्लैक होल होता है। तो ये जो प्लैनेट है ये सन को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि सन जो है हमारी गैलेक्सी में सबसे मैसिव है। लेकिन नहीं, सन से भी ज़्यादा मैसिव एक ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे कहाँ पर, गैलेक्सी में, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तो जैसे प्लैनेट सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे सन भी क्या हो सकता है कि क्या कर रहा हो, ब्लैक होल को रिवॉल्व कर रहा हो। अब क्या कर रहा है, सन भी रिवॉल्व कर रहा है ब्लैक होल के अराउंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने की थी, कि कोई भी चीज़ है अगर वो मैसिव है
तो जो कम मैसिव चीजें हैं उसे क्या करेंगी, रिवॉल्व करेंगी। तो ये था ब्लैक होल। ब्लैक होल, अब जो कंक्लूजन इसका निकला है ये कि ब्लैक होल क्या है, एक क्या है रीजन है स्पेस में जो कि हम देख तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। अगर हम सन नहीं, सन इतनी दूर है अर्थ से तो, और ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से, हम इसे देख नहीं सकते। सिर्फ इसका गैस कहाँ से निकलता है कि हमें एक कलर रीजन दिखाई देता है दूर से, इतना बड़ा होता है जो बीच में से एकदम ब्लैक होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होती है, लाइट होती है। वो आप अब समझ गए क्यों होती है, ड्यू टू एसोलेशन डिस्क या फोटोन स्फीयर के कारण जो हमें क्या होती है दिखाई देती है। तो देखिए इसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी इसने लाइट को भी नहीं छोड़ा, लाइट को भी इसने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो ये था ब्लैक होल। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारा चैनल साइंस टेक बिल्डर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। थैंक यू। जय हिंद, जय साइंस।